हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के वीडियो जो है वर्किंग फ्रॉम होम यूजर्स के लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फोन को सबसे आसान तरीके से वेबकैम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी काफी सारे लोग जो है घर से काम कर रहे होंगे जिसके पास वेबकैम का होना बहुत जरूरी है। वैसे तो हर एक लैपटॉप में जो है इनबिल्ट वेबकैम होते हैं, लेकिन वो कितनी अच्छी क्वालिटी की होते हैं वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। अभी भी लगता है कि वो पुराने जो नोकिया के कैमरे वाले फोन आते थे वैसे ही क्वालिटी उसमें देखने को मिलती है। तो उसके लिए आपके पास एक जो है अच्छा मतलब फुल एचडी वेबकैम होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा एक्सटर्नल वेबकैम अगर आप इंडियन मार्केट में खरीदने जाओगे फुल एचडी क्वालिटी वाले, तो आई थिंक आपको वो 6000 से 8000 या फिर 10000 रुपीज़ में खरीदने के लिए मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव वेबकैम इंडियन मार्केट में है कम्पेयर टू यूएस मार्केट। और फिलहाल तो क्या है ना कि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है वेबकैम की, उस वजह से बहुत सारे जो बेस्ट सेलिंग वेबकैम है वो तो मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है, और जो है उनके भी प्राइस जो है बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप अपने स्मार्टफोन को भी जो है वेबकैम में कन्वर्ट कर सकते हो और आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी वीडियो की, और आपको उसके लिए कुछ अलग से पैसा भी नहीं पे करना पड़ेगा। तो वैसे तो इसके लिए जो है बहुत सारी ऐप मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इन सभी को जो है मैंने टेस्ट किया है, जिसमें से iVCam जो है मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है, क्योंकि इसको यूज़ करना जो है वो काफ़ी आसान है, कंपेटेबिलिटी अच्छी है, जैसे कि एंड्रॉयड iOS और विंडोज़ सभी प्लेटफॉर्म पे जो ये अवेलेबल है। सिर्फ मैकबुक और iMac पे आप इसे यूज़ नहीं कर पाओगे, हालांकि उनमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का वेबकैम आपको मिल जाता है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो उसके लिए भी एक अलग से सॉफ्टवेयर है जो मैं आपको एंड में रिकमेंड कर दूंगा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो इसको आपको यूज़ करना बहुत आसान है, आपको जो है अपने फ़ोन में इसकी ऐप डाउनलोड करनी है और वहीं पे आपको इसका सॉफ्टवेयर जो है अपने विंडोज़ पीसी में भी इंस्टॉल करना है, जो दोनों ही आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट e2esoft.com पे मिल जाएगा, जहां से आपको इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, या फिर आप डायरेक्टली जो है अपने प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से अपने फ़ोन में उसकी ऐप डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पीसी में जो है इस सॉफ्टवेयर को ऑन करना है, और साथ ही साथ वही आप ऐप जो है आपके फ़ोन में उसे भी ऑन करना है। जैसे आप ऑन करोगे आप इससे वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसको वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप हाई क्वालिटी में अगर वो वीडियो चलाओगे यानी कि हाई क्वालिटी में आप इसे ऑन करोगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जो फुटेज है वो अटक रही है। तो बेटर है कि आप इसे जो है यूएसबी से ही यूज़ करो। तो एक यूएसबी केबल को जो है अपने फ़ोन से और अपने पीसी से कनेक्ट कर लो, और जैसे ही आप यूएसबी केबल कनेक्ट करोगे ये ऑटोमेटिकली जो है वो डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन हो सकता है कि आपका डिवाइस जो है डिटेक्ट ना करे, तो उसके पीछे क्या रीजन है। पहला, अगर आपके पास आईफोन है तो आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, जैसे ही आप कनेक्ट करोगे आपको एक पॉपअप मिलेगा, बस ट्रस्ट डिवाइस क्लिक करना है और आपका काम हो जाएगा। लेकिन एंड्रॉइड में जो आपको यहां पे दो प्रॉब्लम हो सकती है, एक अगर आपके पास लेटेस्ट एंड्रॉइड डिवाइस है तो उसमें यूएसबी डिबग मोड जो है ऑन नहीं आता। अगर आपके फोन में है तो अच्छी बात है, ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, नहीं है तो आपको वहां पे अबाउट फोन या फिर सिस्टम सेटिंग में जाके इसका डेवलपर मोड जो है वो ऑन करना होगा। वहां जाके आपको यूएसबी डिबग मोड जो है वहां पे ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलेगा, उसे ऑन कर दो और उसे बाय डिफॉल्ट फाइल या फिर मीडिया शेयरिंग पे जो है सेट कर दो और आपका जो है काम हो जाएगा। और अगर उसके बाद भी ये कनेक्ट नहीं होता तो हो सकता है कि आपके पीसी में जो है लेटेस्ट यूएसबी ड्राइवर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, गूगल में सर्च करके जो है डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैंने जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दी है मेरे गूगल ड्राइव की, वहां से आप जो है यूएसबी ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हो। और इसे इंस्टॉल करने की जो प्रोसेस यहां पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। अगर हो सके तो आपको वीडियो जो है थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिए, सिंपल प्रोसेस है। वहां से आप अपने जो है यह यूएसबी ड्राइवर को अपडेट कर सकते हो या फिर नए ड्राइवर जो है डाल सकते हो, और बस इसके बाद आपको कनेक्टिविटी में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और बस आप बिना किसी रुकावट के अपने फोन को एज अ वेबकैम यूज कर सकते हो। यहां पे सबसे खास बात जो इस सॉफ्टवेयर की है वो ये है कि बहुत सारे कंट्रोल यहां पे आपको मिलते हैं। आप सेटिंग जो है अपने फोन में जो ऐप है इसकी वहां से भी कर सकते हो, प्लस आप जो है पीसी का जो सॉफ्टवेयर है वहां से भी ये चेंज कर सकते हो, जो सबसे अच्छी बात है। जैसे कि आप यहां पे क्वालिटी चेंज कर सकते हो, फुल एचडी प्लस तक आप आउटपुट को जो है यहां पे सेट कर सकते हो, एफपीएस भी यहां पे आप चेंज कर सकते हो, 60 FPS तक ये जो है सपोर्ट करता है, वीडियो क्वालिटी कम ज्यादा भी आप कर सकते हो, ऑडियो क्वालिटी जो है यहां पे वो आप डिसेबल कर सकते हो या फिर उसकी भी क्वालिटी चेंज कर सकते हो, या फिर बेटर रिजल्ट के लिए आप हार्डवेयर डिकोडिंग का भी यहां पे जो ऑप्शन चेंज करने के लिए आपको मिलता है। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, जैसे कि ऑटो वाइड बैलेंस, आईओएस एक्सप्लोरर मैन्युअली सेट कर सकते हो, फ्रंट एंड रियर कैमरा चेंज कर सकते हो, फ्लैश ऑन ऑफ कर सकते हो, बाकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज वगैरह भी जो आप यहां से सेट कर सकते हो, यानी कि ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन है जैसे कि हमें
वेबकैम वाले सॉफ्टवेयर में मिलते हैं, ठीक वैसे ही सारे हमें यहाँ पे भी मिल जाते हैं। तो एक डिसेंट वेबकैम में हमें जितनी ज़रूरत पड़ती है वो सब कुछ जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। यूज़ की बात करें तो अगर आपको कोई वीडियो रिकॉर्ड करना है तो विदाउट एनी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से ही जो है वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी स्काइप एंड जूम से अगर इसे कनेक्ट करना है तो आप इजीली जो है इसे कॉन्फ़िगर कर पाओगे। प्लस जो लोग ऐसे हैं जिनको गेम स्ट्रीम करनी है, जो गेम स्ट्रीमर है, तो वो कोई भी स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर हो गया, OBS हो गया, कोई भी हो गया, उससे जो है ये इजीली कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद क्वालिटी की बात करें तो अभी ये वीडियो जो मैं अपने Logitech C922X वेबकैम से शूट कर रहा हूँ और वहीं पे साइड में मैं अपने चाइनीज टेस्टिंग फोन MIA3 के 48 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा से ऐप के जरिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे फोन में जो आपका बाय डिफॉल्ट फोन में जो कैमरा होता है वहाँ पे जो आप वीडियो शूट करते हैं वैसी क्वालिटी आपको यहाँ पे डायरेक्टली नहीं मिलेगी, जो कि टेक्निकली पॉसिबल भी नहीं है, और ना ही एक अच्छे प्रोफेशनल वेबकैम जैसी क्वालिटी मिलेगी। लेकिन फिर भी आपको एक डिसेंट क्वालिटी यहाँ पे मिल जाएगी। और ऑफकोर्स आपके जो लैपटॉप है, अगर आपका कोई बजट लैपटॉप है, तो उससे तो आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। प्लस जो मार्केट में दूसरे बजट में 720 मेगापिक्सल के जो एक्सटर्नल वेबकैम्स हैं उनसे भी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी आप थोड़ा बहुत सेटिंग करके जो है क्वालिटी एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास एक अच्छा कैमरा वाला फ़ोन है या फिर आईफोन है तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से जो है इसे यूज़ करना है तो आपको जो है कुछ एसेसरीज भी खरीदनी होगी जिससे आपको जो है एक बेटर क्वालिटी मिले, और प्लस आपको बार बार जो है एडजस्टमेंट करने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, इसके लिए एक छोटा सा मिनी ट्राइपॉड या फिर आपको जो फोन होल्डर आता है वो खरीद लो जिससे आपका काम जो है आसान हो जाए। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है उसकी लिंक दे दूंगा, जो मैं यूज़ करता हूँ उसकी लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप ज़रूर चेक करना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जो है अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस मैं फिर मिलूंगा एक लेटेस्ट वीडियो का, तब तक के लिए।